नमस्कार एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का देहरादून दौरा, भारतीय सैन्य अकादमी के पासिंग आउट परेड में करेंगे शिरकत, कैडेट्स को भी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, जनरल बिपिन रावत समेत सभी सैन्य अधिकारियों को दी श्रद्धांजलि, कहा जनरल बिपिन रावत का निधन उत्तराखंड के लिए अपूर्णीय क्षति। सीडीएस बिपिन रावत के गांव सहित पूरे उत्तराखंड में श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भीड़, पुष्प अर्पित कर किया नमन। उत्तराखंड ने खो दिया अपना जाबाज हीरो, तो तीर्थ पुरोहित ने की सीडीएस को भारत रत्न देने की मांग। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट, 8 विधेयक पटल पर रखेगी सरकार, तो विपक्ष ने भी बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। नरेंद्रनगर थाना इलाके में आया रानित का मामला सामने, 45 वर्षीय मजदूर ने मासूम को बनाया अपनी हवस का शिकार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चलिए अब खबरें विस्तार से। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड शनिवार को सादगी से ही आयोजित की जाएगी। सेना मुख्यालय से दिशा निर्देश मिलने के बाद अकादमी प्रबंधन ने ये जानकारी साझा की है। बताया गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षण अधिकारी पीओपी में शिरकत कर पासिंग आउट बैच के कैडेट्स को संबोधित करेंगे। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के भी उनके साथ आने की संभावना है। हालांकि स्केड्यूल में पूर्व निर्धारित मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले व लाइट एंड साउंड शो को राष्ट्रीय शोक के चलते रद्द कर दिया गया है। तो वहीं सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। यहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनएसएस सहित सेना के अधिकारियों और परिजनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही अब उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली कैंट बराड चौक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। पालम एयरपोर्ट पर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीडीएस के परिजनों से भी कल मिले। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसएस अजीत डोभाल ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत। पूरे देश के लिए काफी ज्यादा गमगीन ये दिखाने वाला क्षण है, गमगीन माहौल जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अंतिम सफर पर सीडीएस बिपिन रावत और महज 3 दिनों के अंदर ही ये जो पूरा घटनाक्रम देश ने देखा, एक दुर्घटना ऐसी होती है जिसमें 13 जाबाज इस देश से जुड़े हुए जिनके रूट्स थे और देश की सेवा के लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया, वो इस दुर्घटना के बीच बाद में हमारे बीच से चल बसे। आज वो क्षण अब जिसमें अंतिम दर्शनार्थ के बाद अब अंतिम सफर पर फूलों से सजी सेना के गाड़ी में, सेना के वाहन में अंतिम सफर पर निकले हैं सीडीएस बिपिन रावत। और जो भी ये तस्वीरें देख रहा है, जब भी इस क्षण को याद किया जाएगा, यकीनन सभी की आंखें नम हो जाएंगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और सभी परिजनों से मुलाकात की जिन्होंने इस दुर्घटना में अपनों को खोया है। उनका दर्द यहां पर साझा करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की, पुष्पांजलि अर्पित की,
पार्थिव शरीरों पर और उसके बाद परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस भी बंधाया। देखिए समय इस तरीके का है कि देश भर में इस चीज को लेकर के, इस हादसे को लेकर के एक गम का माहौल तो है ही, लेकिन परिजनों के लिए इसलिए ज्यादा दंश देगा ये समय, क्योंकि जिंदगी भर जो कमी है वो अखरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे, जैसे ही पार्थिव शरीर सेना के विमान से पहुंचे वहां पर पीएम मोदी पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ उनके, अमित शाह आज सुबह गृह निवास पर पहुंचे और राहुल गांधी भी अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, उन्होंने भी जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में जनरल रावत और हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए जाबाजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। बता दें कि CDS जनरल बिपिन रावत का तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में बुधवार को निधन हो गया था। इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 12 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया। CDS बिपिन रावत तथा उनकी धर्मपत्नी सहित सेना के जवानों की शहादत को लेकर हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी ने मोमबत्ती जलाकर सेना प्रमुख को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तो वहीं CDS बिपिन रावत के भारतीय सेना में अमूल्य योगदान और उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें याद किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता सोहेब अहमद का कहना है कि CDS बिपिन रावत का यूं चले जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है और उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सितारगंज में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा CDS जनरल बिपिन रावत सहित शहीद जवानों को मुख्य चौक पर दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसान एकत्रित हुए। भारत के प्रथम CDS बिपिन रावत तथा उनकी पत्नी सहित अन्य वीर अधिकारियों के निधन पर शोक जाहिर किया और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की। काशीपुर में भी विमान क्रैश हादसे में शहीद CDS बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी समेत अन्य सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश चुनाव कैंपेन समिति के अध्यक्ष दीपक बाली और महिला कांग्रेस नेता अलका पाल इंदुमान ने जनरल के आकस्मिक निधन को देश के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। दुख का विषय है, हमारे जनरल बिपिन रावत जी और उनके साथ साथ हमारे अन्य 12 सैनिक आज वो विमान क्रैश दुर्घटना में उनकी जीवन समाप्त हुआ है। आज इस बात का हम लोगों को बहुत ज्यादा अफसोस है, किसी को व्यक्त करने के लिए हटकर। दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक हमारे पौड़ी के उत्तराखंड के पौड़ी के छोटे से गाँव से आकर इतने बड़े पद पर पहुँचना बहुत बड़ी बात है। दूसरा, उत्तराखंड के होने के नाते हम उत्तराखंडियों को बहुत गर्व है, उन्होंने जो देश की सेवा की है। सेना के सर्वोच्च पद पर आसीन हमारे CDS जनरल बिपिन रावत जी, जैसे सबको पता है कि नहीं रहे, आज उसी सिलसिले में सुबह पार्टी ऑफिस में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे और आज आम आदमी पार्टी की हमारी बहनें, कार्यकर्ता सब लोगों ने मिलकर एक कैंडल मार्च निकाला है। जसपुर में भी CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित जाबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रखकर और कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आयोजन किया है, ये हमारे आर्मी ग्रुप जसपुर की तरफ से किया गया है, आर्मी परिवार ग्रुप, उसका मैं संचालन करता हूँ, मैं कैप्टन अब्दुल हफीज, और यहाँ पे तकरीबन हम 400 परिवार हैं ऐसा आर्मी ग्रुप के हैं। उन सब के सहयोग से हमने उन जो ये शहीद हुए हैं उन सब की
शहादत को याद करने के लिए और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए ये हमने कैंडल मार्च का आयोजन किया। आर्मी ग्रुप के सभी जो है भूतपूर्व सैनिक हैं, जिसमें मैं हमारे आर्मी ग्रुप परिवार के साथ सहयोग किया, हमारे जितने भी सामाजिक ग्रुप हैं यहाँ पे सभी ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिपिन रावत जी की आकाश में मृत्यु होने पर उनको वीरगति प्राप्त हुई है, उसी क्रम में यहाँ पे पूर्व सैनिकों द्वारा और हम सब नागरिकों द्वारा सभी वरिष्ठ कनिष्ठ सभी व्यक्तियों द्वारा मिलकर ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। पहले श्रद्धांजलि सभा समदर्शी संस्था और अंतर्गत जितने भी NGO है सभी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा की गई, तदुपरांत ये कैंडल मार्च निकालकर सभी ने अपनी स्वस्थ परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त की है और भगवान से कामना की है कि जनरल साहब और उनके साथ जितने भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं उन शहीदों को भगवान मोक्ष प्रदान करें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुपूरक बजट 1400 से 1500 करोड़ के बीच हो सकता है। इसके अलावा सरकार उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को समाप्त करने के लिए सदन में विधेयक पेश करेगी, तो वहीं सदन में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 समेत 8 विधेयक पटल पर रखेंगी। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर बढ़ना शुरू हो गया है। बावजूद इसके ऋषिकेश के लोग कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे सरकार की चिंता अब बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल ऋषिकेश में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर लापरवाही जारी रही तो आगे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। नैनीताल में मंडलायुक्त दीपक रावत ने सुखाताल झील रिचार्जिंग जोन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के कार्यों का निरीक्षण किया, जिसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान MD कुमाऊं मंडल विकास निगम ने आयुक्त दीपक रावत को किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इसके पहली बात तो आप ये सब जानते ही हैं कि एज सच एस्थेटिकली भी दिखने में भी एरिया काफी गंदा दिखता था, उससे निजात मिलेगी, बहुत सुंदर ये दिखेगा। एक टूरिस्ट एक्टिविटी जनरेट होगी यहाँ पे, चाहे बोटिंग के टर्म्स में हो, चाहे यहाँ पे जो आप कैस्केड बना रहे हैं उसके टर्म्स में हो। इसके अलावा जो पानी आपका तुरंत बह जाता है वो तुरंत ना बह के यहाँ पे रुकेगा कुछ टाइम, रिचार्जिंग का काम भी करेगा, और कुल मिला के ये केव गार्डन से भी जुड़ रहा है, पार्किंग के भी नज़दीक है, बाकी एक्टिविटीज से इंटीग्रेट हो रहा है, तो नैनीताल के टूरिज्म के लिए एक अच्छी उपलब्धि हो। उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी है। इसको लेकर अल्मोड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने निर्वाचन नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने नोडल अधिकारियों को चुनाव की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वंदना सिंह ने बताया कि इस बार 80 साल से अधिक बुजुर्ग जो कि 40% दिव्यांग है, उन्हें घर से पोस्टल बैलेट मतदान की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही नए मतदाताओं को जोड़ने का क्रम जारी है। उन्होंने कहा कि जिन नए मतदाताओं का नाम छूट गया है वो आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन को लेकर अभी जो नोडल अधिकारी इत्यादि हैं उनकी ड्यूटीज जनपद स्तर पर लगा दी गई हैं, तो उनकी एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी, जिसमें सभी नोडल अधिकारियों को अपने स्तर से जो भी कार्रवाइयाँ निर्वाचन की तैयारी के लिए अपने अपने दिए गए दायित्व के संबंध में करनी है उसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो अन्य लोग रह गए हैं जिनकी ड्यूटीज़ लगनी है विभिन्न कार्यों के लिए, वो ड्यूटीज़ भी ससमय लग जाएं इसके निर्देश दिए गए हैं। ये दिशा निर्देश भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार के चुनावों के लिए दिए गए हैं, जिसमें 80+ से के जो मतदाता हैं, इस 80 साल से ऊपर जिनकी आयु हो गई है, और जो दिव्यांग मतदाता हैं जिनकी 40% से अधिक दिव्यांगता है, यदि वो इच्छुक होते हैं अपने घर से मतदान करने के लिए तो उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी, तो उसके संबंध में भी तैयारियां किए जाने के निर्देश नोडल अधिकारियों को प्रदान कर।
शहीदों को लेकर सरकारें घोषणाएं तो करती है लेकिन वो कई बार सिर्फ वादों में सिमट कर रह जाते हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 6 साल बीतने के बाद भी सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। जहां लालकुआ के बिंदु खत्ता के मोहन नाथ गोस्वामी को शहीद हुए पूरे 6 साल बीत गए लेकिन उनके नाम पर बनने वाले मिनी स्टेडियम का आज तक निर्माण नहीं हुआ। आपको बता दें कि शहीद मोहन नाथ गोस्वामी 2015 में दुश्मनों से लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए थे। उन्होंने 11 दिन में 10 आतंकियों को मार गिराया जिसको लेकर कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गपाल ने शहीद के नाम पर मिनी खेल स्टेडियम स्कूल और सड़क बनाए जाने की घोषणाएं तो कर दी। यहां तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और घोषणाओं को पूरा करने की बात भी कही। हालांकि इसी बीच कुछ घोषणाएं पूरी हुई लेकिन कई आज भी अधूरी पड़ी है। पहली माँ होती है औरत होती है पहली वो बोल की बयाना दो मेरे को बड़ा कौन होता है, है? माता शक्ति होती होगी। आपके बेटे के नाम पे स्टेडियम वगैरह कुछ नहीं मिला, विधायक जी भाग गए क्या? हाँ, क्यों भागा विधायक जी? वो विधायक काम दिखा दो, काम दिखा दो तब तो हम भी मान। चोर है वो, चोरी करके चला गया, मार होता मेरे सामने आता। देवभूमि में सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगा है जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने कई जिलों में रैन बसेरे भी बनाए लेकिन मंगलौर अभी तक रैन बसेरों की बाट देख रहा है। तो वहीं मंगलौर आने वाले पर्यटकों और अस्थायी लोगों को सर्दी में परेशानी का सामना करना होता है, साथ ही खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है जिसको लेकर कई बार प्रशासन से रैन बसेरे बनाने की शिकायत भी की लेकिन अभी तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। हम तो ढेर मुसीबत में जी, यहाँ तो हम तो फरस पर पड़े बाबू जी, यहाँ से मेरा पोता मेरे ला रहे हैं सारी सारी रात हम बैठ कर काटते हैं। तो सर्दी लगती होगी रात को? बहुत सर्दी जी, बैठ कर काटते हैं भगवान, हम सारी रात बैठी रहूँ मन ही इस बच्चे को ढको जाऊँ, अभी बेहद तबीयत खराब हो रही है आज मेरी। सेरा के लिए अभी टेंडर हमने किए हैं और शायद 8 या 9 तारीख में वो टेंडर खुलेंगे भी मुल्ला के स्थान में। पूर्व में बस अड्डे पर भी हमारा प्लान था पर वहाँ परिवहन विभाग की कुछ आपत्ति थी इसलिए वहाँ पे हम नहीं कर पा रहे। तो टेंडर किया है, कोशिश करेंगे कि ये समय रहते ही वो तैयार हो जाए और नहीं हो पाता है तो इस मध्य कुछ टेम्प्रेरी व्यवस्था भी कराएंगे। हमारे नगर पालिका का हॉल है, पुरानी नगर पालिका है या अन्य स्थान जो भी उचित बराज घर वगैरह तमाम हैं सरकारी उनकी व्यवस्था करेंगे। और इसके अलावा जिला प्रशासन से भी सर्दियों में अलाव और इत्यादि के लिए व्यवस्था होती है, अलाव तो हम हर साल अपने स्तर से भी काफ़ी करते हैं। और जैसा अभी आपने कुछ बस अड्डे पर कुछ लोगों को बताया तो रात में उनका सर्वे करेंगे, ऐसे कोई व्यक्ति मिलते हैं तो बोर्ड फंड से उनको कंबल इत्यादि की भी व्यवस्था कराएंगे ताकि जो बेसहारा बगैर है उनको सर्दियों से बचाव हो सके। लालकुआ राजस्व के मामले में कुमाऊं की सोने की खान कही जाने वाली गौला नदी में खनन शुरू होने से पहले ही राजनीति गर्मा गई है। वाहन मालिकों ने अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल शुरू कर दी है तो वहीं वाहन मालिकों का कहना है कि जब तक सरकार रॉयल्टी के दामों में कमी नहीं करती और उन्हें भाड़ा बढ़ाकर नहीं मिलता तब तक वे खनन कार्य में अपने वाहनों को नहीं भेजेंगे। हमारी मांग है सबसे पहले तो कि जो है हम लोगों का जो भाड़ा है वो क्रेशर मालिकों से कि हमारा भाड़ा जो है बढ़ाया जाए। पिछले बार जो हमको भाड़ा दिया जाता था इस बार जो क्रेशर मालिकों ने रेट खोले हैं तो वो पिछले बार के रेटों से भी 10 रुपये या 12 रुपये कम है और जबकि डीजल पेट्रोल जो है 30-35 रुपये जो है डीजल का जो भाव है 30 रुपये से ऊपर बढ़ा हुआ है। और सबसे पहले तो समस्या ये है हमारी। दूसरा जो क्रेशर वालों को गड्ढे खोदने की परमिशन दी है समतलीकरण के नाम पर जो उनको परमिशन दी गई है उसमें क्रेशर वाले बड़े बड़े भयंकर गड्ढे खोद रहे हैं और उसका 7 रुपये 8 रुपये लगभग 8 रुपये के आसपास उनको रॉयल्टी पड़ रही है और गौला नदी की जो रॉयल्टी है वो 32 रुपये के आसपास है, 30 से 31 रुपये या 32 रुपये के आसपास पड़ती है। तो अब वो उनका भी कहना है कि अपनी जगह में कि भाई जो हमें 8 रुपये रॉयल्टी पर माल मिल रहा है तो फिर हम जो है 30 रुपये की रॉयल्टी का माल क्यों लेंगे और उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। और इसीलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो लोग उनको जो समतलीकरण के आधार पर उनको जो मिला हुआ है परमिशन मिली है उस परमिशन का वो फायदा उठा रहे हैं और इससे बहुत बड़े राजस्व की भी हानि हो रही है, सरकार को भी हानि हो रही है जबकि गोला से 300-400 करोड़ रुपया जो है सरकार को भी राजस्व जाता है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।